हाँ जी आराम दे। बहुत ही अच्छा गीत गाया अशोक शर्मा जी के लड़का ने आकाश ने। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए बच्चे के लिए। पटरा पटरा क्या बजा रहे, जोरदार बजा दीजिए इसके लिए। मैं खुद बजवा रहा हूं, गीत अच्छा है। आकाश भाई। भैया अयोध्या को सुख धाम की जरूरत है, भरत की नहीं है उनको राम की जरूरत है। आकाश भाई एक गीत गाया था मैंने, हे रुक मेरे मोए अब मत रोके मोए क्यों कर रही है मजबूर, यही था। आप क्या कह रहे थे, अरे स्वर्ण सभा में भाई कलंकित मैं तो भाई मजबूर। मतलब दूसरे के घुटना में तुम्हें सुराग दिख रहा है, अपना खुद को फटो फटा घुटना ना दिखो, दूसरे के सुराग पे उंगलियां कर रहे हो। और ब्रज किशोर तुम अभी रसियाबाजी को ठीक से नहीं पहचाने। आपने गाया था हनुमान बन के भीम का जवाब मांग रहे थे, तुम्हें लड़वाना क्या है, काफियाओं का जवाब चाहिए क्या तुम्हें, भीम का जवाब चाहिए या तुम्हें बराबर से कोई ऐसी कहानी चाहिए, तुम चाहते क्या हो है? भाई अगर तुम हमसे कह रहे हो कि मैं हनुमान बन के गा रहा हूं, उधर से भीम बन कर पूंछ को हिला, तो मैं इधर से जवाब दे रहा हूं कि मुझ पर पूंछ नहीं हिली, तुम कोई साधारण बंदर नहीं हो, तुम हनुमान जी हो, तुम मेरे भैया हो, इसमें गलत क्या कर दिया। तुम कह रहे काफिया नहीं लड़ा रहा है, तो तू बता दे मैं काफिया लड़ाऊं, भीम का जवाब ना दू। भाई जो तू मांग रहा है वो दे रहा हूं तुझे, फिर भी तुझे संतुष्टि नहीं है। एक गीत मैंने गाया, अरे बहना मेरी मोए बुलावे मोए जानो है वहां पे जरूर। कन्हैया जी कह रहे हैं मुझे जरूर जाना है। अरे आज रोके मत रानी मोए बहन की लाज बचानी। उधर से आप जवाब दे रहे हो आज, अरे प्रभु तुम जल्दी जाओ भैया को फर्ज निभाओ। अब मैं क्या गा रहा हूं, आज रोके मत रानी, मैं तो जा ही रहा हूं और तू कह रहे जल्दी जाओ, रोक तो तू ही रही है। भाई जवाब इसमें क्या हो गया, जवाब इसे कहते हैं आकाश भाई आपने गीत गाया कि भैया अयोध्या को राम की जरूरत है। उधर से भरत जी कह रहे थे राम से कि भैया अयोध्या को आज राम की जरूरत है। अब राम क्या कह रहे हैं, तुम कह रहे हो कि अयोध्या लौट चलो राम की जरूरत है, अब राम क्या कह रहे हैं। बात मेरी तथ की पिता दशरथ की माने ना बचन मेरी आन चली जाएगी। अगर तुम्हारा दिल कहे के जवाब सही है पीछे तक तो तालियां चाहूंगा। ऐसे नहीं के भरत कह रहे हैं कि अयोध्या राम की जरूरत है तो रामू कह दे हाँ सही कह रहे हो अयोध्या राम की जरूरत होती है, ये जवाब थोड़ी है। इस बात को तो भरत कह ही रहे हैं, जवाब क्या है। आशीर्वाद चाहूंगा। अरे बात मेरी तथ की पिता दशरथ की माने ना बचन मेरी आन चली जाएगी। गर तोड़ के बचन जो मैं अयोध्या चला जाऊं तो मेरे इस रघुकुल की शान चली। अब तुम कह रहे हो कि अयोध्या को राम की जरूरत है तो हे भैया भरत अपने मन में झांक ले, अपने मन में झांक ले आभास की जरूरत है, अपने मन में झांक ले आभास की जरूरत है। ये आदत है मेरी, सामने से जो सुपरहिट गीत गाया जाता है पहले मैं जवाब उसी का देता हूं, छंद होगा बाद में, पहले जवाब सुनो। हे भरत तुम कह रहे हो कि अयोध्या को राम की जरूरत है तो सुन। अरे अपने मन में झांक ले आभास की जरूरत है, तू अपने मन में झांक ले, अपने मन में झांक ले हो।
अपने मन में झांक ले, अपने मन में झांक ले, आभास की जरूरत है। और तुम कह रहे हो अयोध्या को राम की जरूरत है, तो हे भरत तू अपने मन में झांक ले, आभास की जरूरत है। और कण कण में राम है, विश्वास की जरूरत है। जवाब सही है गलत है भैया? एक बार हाथ उठाकर बताइए। आकाश भाई, फिर आपकी है? बिल्कुल कह रहे हैं, 100% कह रहे हैं। क्योंकि अगर सीधा मैं जवाब दे दूं अखिलेश भाई कि चरण खड़ा मुंह ले जाओ मैं तो नहीं आऊंगा, तो वो तो बहुत छोटी बात हो गई। लेकिन मैं जवाब को थोड़ा गहराई में ले जा करके दे रहा हूं, वो तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। लेकिन मैं गहराई में, आप ये कहोगे चित्रकूट पे राम ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, कणकण में राम है। आप ये कहोगे ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ जवाब थोड़ा गहराई से हो जाए, अंदर तक आपका जवाब हो जाए, मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। और इसमें भी आप उंगली कर दो कि राम कणकण में नहीं है, तो भैया वो आप ही कहते हो कि तुझे ढूंढने जाऊं कहां घटघट में तेरा वास है। अरे अपने मन में झांक ले, आभास की जरूरत है। और मैं फिर से पीछे तक तालियां चाहूंगा। आज कण कण में राम है, हर जगह पे राम है, विश्वास की जरूरत है। कहां पर नहीं है राम? यहां पर भी है, अयोध्या भी है। और मैं राम ने वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो मैं जवाब दे रहा हूं। मैं थोड़ा गहराई से जवाब दे रहा हूं कि मेरा जंगल में जाना जरूरी है क्यों? जाने तो राम को आज वनवास में हो, भैया भरत तुम्हें याद नहीं होगा जब जनकपुर में स्वयंवर हुआ था तो हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया था। और भरत तुमको पता भी नहीं है कि निमंत्रण क्यों नहीं आया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास राजा का ताज नहीं है। जब पिता दशरथ जी केकई माता से शादी करके ला रहे थे, एक बगीचा में रुके थे, तो वहां पर आ गया था बाली। और बाली ने पिता दशरथ से कहा था कि या तो युद्ध कर, या अपनी पत्नी केकई दे दे, या फिर अपने सर का ताज दे दे। तो युद्ध कर नहीं सकते थे बाली से, और पत्नी को दे नहीं सकते थे, इसीलिए पिता दशरथ ने अपने सर का ताज उतार करके उस बाली को दे दिया था। इसीलिए मेरा वन में जाना बहुत जरूरी है। क्या बात है? क्यों? अरे जाने दो राम को आज वनवास में, ताज तो रखा है पिता का उस बाली के पास में, ताज तो रखा है पिता का बाली के पास में। हाँ जी भैया जी, भैया जी, ये तो बात हो गई, गाड़ी निकल जाएगी, स्टेशन पर रह जाओगे। कि ताज तो रखा है पिता का उस बाली के पास में, इसीलिए वनवास जाना जरूरी है, अयोध्या का ताज वापस। आप ये कहोगे ऐसा राम ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैं अंदर से प्रयास कर रहा हूं कि जवाब हो जाए। आपका दिल कह रहा है कि जवाब सही है, तो बजा देना तालियां फिर। अयोध्या को राम की जरूरत नहीं है, उस अयोध्या की गद्दी को एक दास की जरूरत है। अयोध्या की गद्दी को, अरे अयोध्या गद्दी को, अरे अयोध्या की गद्दी को एक दास की जरूरत है। और हर जगह पे राम है, अरे हर जगह पे राम है, विश्वास की जरूरत है। हर जगह पे राम है, विश्वास की जरूरत है। समझा कि तुम ज्ञानी हो, ये मैंने
समझा और तुम ज्ञानी हो। उधर से कह रहे थे हनुमान रहा मेरा मनमान। ये क्या होता है भाई, शुद्ध काफिया नहीं मिले तो कोई तुम्हें उरिया कर रहा है जबरदस्ती के काओ। हनुमान मनु, मनु नहीं होता है, मन होता है मन, चाहे तो ये मन हो चाहे 40 किलो का हो, मनु नहीं होता है, मन होता है हनुमान। और दूसरा काफिया मनुमान, मतलब जबरदस्ती घुसो जा रहा हूं मनु, काई घुस रहा है, सीधी सीधी लाओ। तुमने करे नादान नादान, अब मैं बोलूंगा बाद में जनता पहली ताली बजा देगी। अरे नादान क्या तेरी जितनी ऊंची दुकान है तेरे इतने ही फीके पग। अरे मेरे आगे और बैठे भैया, अरे देखे मेरे आगे और तुम बैठे भैया। अरे तुमते सारे, अरे सारे राक्षस पानी मांग गए। ये मेरे आगे बैठे भैया और तुमसे सारे राक्षस पानी मांग गए। और तुम कह रहे हो कि तू भैया नहीं हो सकता है। उधर से हनुमान जी कह रहे थे भीम से कि तू मेरा भैया नहीं हो सकता है, जिसमें अहंकार आ गया। छोरे आकाश वो तेरो छोटे बारो बीड़ी पी, मतलब तू शराब तू गुटखा ना खा, मत तो बात जो कह देते हो तू ना मेरा भैया तू ना अशोक शर्मा हो, ऐसी कहते हो ना। छोटे भाई में ऐब चाहे कितने भी हो लेकिन वो रहेगा भाई, तो करे भाई नहीं हो सकता है, हे रही है खाम खा। हाँ बेटा, अरे सारे राक्षस और पानी मांग गए। अरे हे हनुमान जी, अरे तुम ही मेरे बड़े भैया हो जो इकलौते समंदर को लाने गए। आज भयो है एहसास मोकू, आज भयो है एहसास रे मोकू, आज भयो एहसास जब दिल में भापी है। लगा मासा बंसी बारे ते मिलाई दोने नरंगी राजा जमना पर। एल्बम का वो अनिल कुमार की मूवी का गाना है, मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान है, तेरे ऊपर तो कर दूं सब कुछ कुर्बान है। ओ मेरी गुड़ की डली हो, गब्बर कैसे सो रहा है, एक कितने आदमी थे जो गब्बर ना है बसंती जी मालूम पड़ते हैं, जो बसंती ना है और जो बसंती ना गब्बर। एक बात सच है, अरे बन गए हो कायर आप क्यों अपनी जान बचाने आए हो, बन गए हो कायर आप क्यों। रामू भैया बच्चे हैं आपके, हम कुछ नहीं जानते, पर तालियां देखना सच्चाई है और आप भी बजाने पे मजबूर हो जाओगे। के बन गए हो कायर आप
अपनी जान बचाने आए हो, एक जा रंगशाला की गुड़िया को रसियों में नचाने, ये रंगशाला की नचनिया को रसियों में नचाने, ओए हो बंसी तारे पे मिलाई दो ने, अरे रसी दादा जानो ना। तू का कह रहे हो लल्लू? यो कह रहे हो बावनते टक रही है भैया, सुनते रहो, बावनते टक रही है, बावन ने हल्के में कौन से बाबा ते टक रही, हम तो किसी बाबा से कुछ नहीं कहते, बस इतनी सी बात कहते हैं, कभी भी इस मंच पर आकर करना मत अभिमान है, कभी भी इस मंच पर आकर करना मत अभिमान है, अभिमान भरा तो नहीं जीतोगे ये बुजुर्गों का ऐलान है, अभिमान भरा तो फिर कभी नहीं जीतोगे ये बुजुर्गों का ऐलान है, और रामायण में सदांगवे गीता रामायण का ज्ञान है, बुजुर्ग होते हैं पिता समान और माँ बाप भगवान के समान। अब तू कह रहा होगा बूढ़े इनते टक रही है, गोपाल ने सदा इज्जत करी है और करेगो, जाके तेरे नायक रही है काम का। हाँ बेटा, ओ हो बंसी तारे ते मिलाई दो ने, अरे रंगीली राजा जानो ना, अरे कोई सजाए दयो है माने राम जी को दरबार, अरे ऐलान ऐलान भयो पीएम मोदी को, अरे देखो वो मन खुश है गई, मोदी ने जब बांटे सिलेंडर तेरी अम्मा ले गई, जो कह रहे मेरी ले गई, बाकी तो सब मां पर होंगे नहरे में ना, भुका के रोबा को गौर करो पहले, मोदी ने जब बांटे सिलेंडर तेरी अम्मा ले गई, बाकी बाकी कहां पर हैं, एक एक तो मेरी अम्मा पे सिलेंडर, और कहां है भाई है? नहीं ये भी लगाया था इसने, ऐलान दे देखो मोदी ने, देख के वो नगद रुपया दे गई, बा मोदी ने बांटे सिलेंडर तेरी अम्मा ले गई, ये गाया था मैंने, नोट किया इसको, गाया था नहीं गाया था, एक सिलेंडर तो मेरी एक भी ले गई मेरी अम्मा, बाकी कहां गई फिर, तेरी ले गई, फिर अपनी अम्मा की चुना कह रहा मेरी अम्मा ले गई, मेरी तो अम्मा एक ही ले गई अपने नाम पे, जाकी अम्मा तीन ने ले गई, वो तीनों ने ले गई, वो तो रेगुलेटर संदा ले गई जो कह रहे हैं। और जो पेप लेते गई वो बहुए ले गई, वह चूले बेहूले दे, अरे बटे सिलेंडर एरे देखो दुनिया में तबाकी है रही है जय जयकार, ओ हो देखो दुनिया में दुनिया में बाकी है रही जय जयकार, बेशक बेशक है रही है जय जयकार, पर भयो कैसो घपसल्ला है, हमें तो लगता है कि ये भी कोई राजनीति है, आप उधर से कह रहे कि विपक्ष का जवाब दे रहे हो तो मत करो मोदी की बुराई, विपक्ष तो बुराई ही करेगा, बुराई ही करेगा, आप कह रहे सिलेंडर लेके, इसमें भी कोई राजनीति है तेरे मोदी की, मोदी सरकार से पहले सिलेंडर बटने से पहले 440 रुपए का या 50 रुपए का भरा जाता था, भरा जाता था यही सिलेंडर, बटे सिलेंडर बांटे सिलेंडर बाने फ्री में, राजनीति को खेलो दिखायो वही सिलेंडर तेरे मोदी ने, एक रुपया में 1000 रुपया में, अब जो गरीब आदमी बेचारो कहूं ते कंडा मांग लायो लकड़िया ले आयो अपनी रोटी कर लो,
बानिस भीम मार देगा अब भरवाओ एक एक हजार में जाएगा। कल तो जी और कह रो चाहे मराए के पेट्रोल डरवा दूंगा पर वोट दूंगा मोदी है जी बात कह रो दे तू दे भगवान तेरो ही भलो करे। एरे कैसी आ गई है पर जनता पे पर रही है देखो महंगाई की मार। चाहे कितनी अच्छी चीज बन जावे देखे सरकार चाहे कितनी अच्छी बन जाए पर जा महंगाई कहां ले जाए वो भैया वो ना जला से रही जो करे अभी कोई महंगाई ना है जो कह रहे अभी कोई महंगाई ना है चो भैया आते ना है महंगाई हाथ उठा बताओ भैया जो कह रहे अभी कोई ना है इनकी में जब एक हजार की पड़ेगी ना एक लीटर चप्पल तो भरी अब तो होते है एरे जनता कैसे झेले महंगाई की मार। अरे जी हेरे भारी घपसल तेरो पहरू काटी आगे छंदो लड़ाईयो छंदो काट तेरी पहरू काटी आगे छंदो लड़ाईयो और ताली देखने का ये तो मोगल है। अरे छंदो काट तेरी पहरू काटी आगे छंदो लड़ाईयो जावा ते ना किंगे हम उन्हें पहले ही सारों को दो ऐसे हम कुछ और कह रहे हमारा अलग है ने अरे छंद काट अरे छंद काट तेरी बहरऊ काटी आगे जो छंदो लड़ाईयो आगे जो छंदो लड़ाई ना है पावे यहाँ पे भाग सिदो सो जवाब दिया बीजेपी बन के गा रहे विपक्ष का ही जवाब दिया कि तुमने सिलेंडर बांटे पर भैया जा महंगाई को कुछ करो मोदी जी गरीब आदमी बहुत परेशान है ऊपर से लॉकडाउन की मार और ये महंगाई जो भी है हाँ हाँ जो भी है पूरे बारे मिलेंगे तो जो तो फिर खुशी की बात है मिलेंगे भैया चिलास नहीं हो रही है मोदी की बुराई मैं निवेदन करूंगा आप इसको मोदी की तारीफ ना गाइए ताकि मुझे बुराई ना करनी पड़े विपक्ष तो यही कहेगा चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले क्योंकि कोई प्रधान ऐसा होता है वो कितना भी अच्छा कर जाए दो चार आदमी बाकी फिर बुराई कर ही जाएंगे। एक गीत हाथ जोड़कर पैर छूकर आप लोगों के चरणों में मैं रख रहा हूं और हो सकता है कि